जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, त्रिवेणी नगर चौराहे पर तलवारबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेखौफ बदमाशों ने सरेआम तलवारबाजी की है, लोगों में भय देखने को मिल रहा है, लोग दहशत में। इस बीच ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सरे बाजार, हाथों में किस तरीके से तलवार लेकर यहाँ पर ये बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। खाकी सोती हुई नजर आ रही है, कानों कानों तक खबर नहीं है। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को अब तक कोई घटना की जानकारी नहीं है। आपसी विवाद के बाद बदमाशों के बीच बाजार में तलवारबाजी की है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, हाथ में लहराते हुए असला, साफ बता रहे हैं कि खाकी का खौफ नहीं है। संवाददाता शरद इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि खाकी का कोई खौफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर क्या ऐसे मेंटेन होगा, खाकी को कानों कान खबर तक नहीं है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक कार्रवाई के नाम पर देखने को मिला? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस थाने में हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों लोग तलवारें लेकर निकले हैं। तो पुलिस थाने को तो अब तक ये जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई वाकया अभी जयपुर में सामने आया। क्या इस तरह से कॉलोनी के अंदर बीच सड़क के ऊपर इतनी भारी संख्या में ये बदमाश हाथों में तलवार, डंडे, सरिये लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी अब तक पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस का कहना है हमारे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं आई, पुलिस कंट्रोल रूम पर इस बारे में फोन नहीं आया, यानी पुलिस इंतजार कर रही है कि जब तक कोई गंभीर वारदात नहीं हो जाती, उनको सूचना नहीं मिल जाती, तब तक पुलिस शायद वहाँ मौके पर नहीं। शरद, एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। आपने कहा कि पुलिस ने कहा कि कोई जानकारी नहीं मिली, शहर में बदमाश असलाह लेकर घूमते रहेंगे, तलवारें लहराते रहेंगे, और पुलिस इसके लिए इंतजार करेगी कि कोई यहां पर हमें जानकारी दे। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस को आखिर ऐसी खबर क्यों नहीं है कि शहर में क्या माहौल बिगड़ रहा है? पुलिस शायद की इसी वारदात के इंतजार में है कि जब कोई वारदात हो जाएगी, जब ये किसी पर हमला कर देंगे, उसके बाद में हमको सूचना मिलेगी, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंचेगी। शायद पुलिस की यही आदत बन चुकी है, और इसीलिए शहर की सड़कों पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से खौफ नहीं है बदमाशों में, किस तरह से लोग हथियार हाथों में लेकर ये बदमाश यहाँ पर घूमते हुए लोगों को डराते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं, कार चालक को यहाँ पर डराया जा रहा है, उसको यहाँ पर रुकने का इशारा किया जा रहा है, किस तरह से बदमाश कॉलोनी वासियों को डराते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी इनकार कर रही है कि नहीं, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। शायद हमारी इस खबर को देखने के बाद, हमारी इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस को समझ में आए कि हाँ, ये जयपुर का ही बिल्कुल। शरद, देखिए इन तस्वीरों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि खाकी चैन की नींद सो रही है, शहर में बदमाश मस्त घूम रहे हैं, खाकी पस्त नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर राजधानी का ये हाल है, सरेआम बदमाश असलाह लेकर घूम रहे हैं, तलवारें लेकर घूम रहे हैं, और पुलिस एक्सक्यूजेस दे रही है कि साहब कोई जानकारी नहीं है।